मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इन दिनों धारावाहिक ये है मोहब्बतें ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। अब तक आपने देखा कि आलिया के पिता यानी मणि का मर्डर हो चुका है और इस मर्डर के इल्जाम में रमन भल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रमन सिर्फ मणि से बात करने आया था और रमन के आने से पहले ही मणि का मर्डर हो चुका था। खैर इसी बीच जब शगुन को ढूंढा जाता है तो वो कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि शगुन को भी मर्डर ने कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई है। रमन की बेगुनाही का एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ शगुन ही है, क्योंकि सिर्फ शगुन को ही पता था कि रमन उसके घर मणि से मिलने आ रहा है। लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में इस शो में ढेर सारा ड्रामा होगा। जी हाँ, इस शो के सेट से शगुन की एक तस्वीर लीक हुई है जिसमें उनके सर और हाथों में पट्टी लगी हुई है और वो पेशेंट के कपड़ों में दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्द इस शो में शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्रामा होने वाला है। जी हाँ, शगुन का एक्सीडेंट होगा और उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस शो के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि शगुन ने रमन के लिए व्रत रखा है और उसे देखकर अपना व्रत खोल रही है। इस प्रोमो से भी साफ साबित हो गया है कि आने वाले दिनों में ये है मोहब्बतें में ढेर सारा ऐसा ड्रामा होने वाला है जो शो में लोगों की दिलचस्पी को और भी बढ़ा देगा। इस शो में एक ट्रैक आलिया और आदि का भी चल रहा है। दोनों अभी अभी अपने हनीमून से लौटे हैं और आलिया के दोस्त निखिल की वजह से दोनों में दूरियां आ गई हैं। कहीं ना कहीं शक की निगाहें आदि पर भी हैं कि मणि की मौत के पीछे आदि का भी हाथ हो सकता है। खैर ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर असली गुनेगार कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।